आखिर क्यों हार गई थी ऐश्वर्या सुष्मिता से बाजी? ऐसा क्या हुआ था 24 साल पहले मिस इंडिया के मंच पर? जानिए क्या था कारण। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल एमएस मीडिया की बॉलीवुड से जुड़ी खबरों में आपका बेहद स्वागत है। हाल ही में सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स का खिताब जीते हुए 24 साल हो गए हैं। सन 1994 में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने भारत से मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था, लेकिन इसको जीतने के लिए सुष्मिता को काफी लंबा सफर तय करना पड़ा। 1994 में सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय दोनों ने ही मिस इंडिया पेगमेंट में पार्टिसिपेट किया था और ये कॉम्पिटिशन गोवा में हो रहा था। इस दौरान सभी ने ऐश्वर्या और सुष्मिता पर शर्त लगा रखी थी क्योंकि दोनों ही मजबूत दावेदार थीं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं 24 साल पहले हुए मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का वो किस्सा जब ऐश्वर्या सुष्मिता से कॉन्टेस्ट हार गई थी। दरअसल आखिरी राउंड तक पहुंचते सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच टाई हो गया था और जजेस ने दोनों को ही 9.33 मार्क्स दिए थे। इसके बाद ये तय हुआ कि दोनों से एक एक सवाल पूछा जाएगा और जो इसका अच्छा जवाब देगा वो मिस इंडिया का खिताब जीत जाएगा। जज ने ऐश्वर्या से सवाल पूछा, आप अपने पति में कैसी क्वालिटी देखना चाहेंगी, रिज फॉरेस्टर की तरह बोल्ड एंड ब्यूटीफुल या मैसन कैपल के जैसा? हम आपको बता दें कि ये दोनों ही हॉलीवुड सीरीज के कैरेक्टर्स के नाम हैं। इस पर ऐश्वर्या ने जवाब दिया, मैसन कैपल। उनका कहना था कि हम दोनों में बहुत सी चीजें एक जैसी हैं। मैसन बहुत केयरिंग है और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और वो ऐश्वर्या के कैरेक्टर से भी मेल खाते हैं। वहीं सुष्मिता सेन से पूछा गया, आपको अपने देश के टेक्सटाइल हेरिटेज के बारे में क्या जानकारी है, ये कब से शुरू हुआ और आप क्या पहनना पसंद करेंगी? इस पर सुष्मिता ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि ये महात्मा गांधी के समय से शुरू हुआ था, इसे बहुत लंबा समय बीत चुका है। खुद के बारे में उन्होंने बताया कि मुझे इंडियन और एथनिक वेयर पहनना बहुत पसंद है, मैं अपनी वार्डरोब में इंडियन वेयर रखना चाहूंगी। और इस जवाब के साथ सुष्मिता ने बाजी जीत ली थी और वो ताज अपने नाम कर लिया था। एक सवाल के साथ एक सेकंड में पूरी बाजी पलट गई थी। चलिए इसी के साथ दीजिए बॉलीवुड खबरों से इजाजत, फिर हाजिर होंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।